स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोगों को चैप्टर नंबर 5 चालू करना है बीएससी का, जो है ऑर्गेनाइजिंग। समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी समझाना चाहती हूँ जो आपकी बुक में दी है, विप्रो लिमिटेड की। विप्रो इज़ अ वेरी गुड कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम कमाया है। पहले विप्रो का पूरा फोकस सिर्फ आईटी पे नहीं था, पहले वो दूसरे फील्ड में भी थी। फिर क्या हुआ ना, विप्रो ने प्लान किया, विप्रो का प्लानिंग था, उसका एक गोल था। उस प्लानिंग में उसने एक गोल सेट किया कि भाई मुझे तो ग्लोबल कंपनी बनना है, मतलब जिसका प्रेजेंस और आउट ऑफ इंडिया भी हो। अब ग्लोबल कंपनी बनने के लिए उसको क्या होता है, अपन ने एक समझा था, मैनेजमेंट फंक्शन का फर्स्ट काम होता है प्लानिंग, दूसरा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब उसको अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ा। ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने क्या किया, अपने ही कंपनी को कि जो सब्सिडीज थी, बहुत सारी ऐसी सब्सिडी जो उसके काम नहीं आ रही थी या इतनी इफेक्टिव नहीं थी, उसको हटा दिया और अपने काम को आईटी के सेक्टर को ही और डाइवर्सिफाई कर दिया, ताकि वो इजीली ग्लोबली लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है, एक बार आप लोगों की प्लानिंग हो जाए, उसके बाद क्या ज़रूरी है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रक्चर ज़रूरी है, और वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। Organizing is the function that leads to creation of organization structure which include designing the role to be filled by suitable skilled people and defining the interrelationship between the roles so that ambiguity in the performance of duties can be eliminated। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा structure बनाना जिसके अंदर लोगों के roles clearly defined हो और ये लोग एक दूसरे से किस तरह से interrelated है वो भी बताना, ताकि आपस में कोई confusion ना हो। वापस देखो, एक ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को अपने अपने रोल समझा दिए जाते हैं, रोल समझाने के बाद बताया जाता है कि इन दो लोगों का एक दूसरे से क्या इंटर रिलेशन है, और इस तरह से ये लोग आपस में काम करते हैं, ताकि आगे जाके कोई भी बोलते हैं ना डुप्लीकेसी या फिर कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं आए जब वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो। सेकंड पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली एम्प्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज फॉर अचीविंग अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। ऐसा बोल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो अपने ह्यूमन एफर्ट्स को और अपने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ताकि अपन क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। वापस ऑर्गेनाइजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या दो चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जाता है, ह्यूमन एफर्ट्स और तुम्हारे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि इन दोनों को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके हम क्या कर सके, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तीसरा मीनिंग क्या है, ऐसा बोला जाता है ऑर्गेनाइज, अपन प्लानिंग में तो क्या करते हैं, सिर्फ प्लान करके रख देते हैं, एक्चुअली इनिशिएट करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या इनिशिएट करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। क्यों इम्प्लीमेंटेशन, और कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है प्लान को, क्लैरिफाई करके कि भाई जॉब क्या है आपका और आप लोगों का क्या वर्किंग रिलेशन है, जॉब मतलब आपको क्या काम करना है और आपका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन है, और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करवा के वो क्या करता है, गोल अचीव करवाता है। वापस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है जो प्लान बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करे और लोगों को उनके जॉब और उनके सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप समझाए और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करे, ताकि अपने गोल्स अचीव हो जाए। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, मैं अगर इसका एग्जांपल समझाऊँ, तुम्हारी बुक में लाइब्रेरी का एग्जांपल, तुम्हारे एनुअल फंक्शन का एग्जांपल दिया है। एनुअल फंक्शन में तुम लोगों को बड़ी मजा आती है, बट क्या एनुअल फंक्शन परफॉर्म करना इतना ईजी है, नहीं, बैक स्टेज बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले एनुअल फंक्शन में क्या किया जाता है, काम आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई क्या काम है, उस काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि भाई एक हो गया कैंटीन ग्रुप, एक हो गया तुम्हारा ये डेकोरेशन ग्रुप, इस तरह से अलग अलग तुम्हारे ग्रुप हो जाते हैं। उसके बाद हर ग्रुप के अंदर एक लीडर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद कौन किसको आंसर देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो बताया जाता है, और फाइनली फिर इवेंट किया जाता है। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप सेट किया जाता है, उसी तरह से कुछ ऐसा ही कुछ अपने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है।
सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या होता है, काम का डिवीजन आइडेंटिफाई करो, ये आइडेंटिफाई करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अलग अलग काम है। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डिंग विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। आपके जो प्लान्स है उस अकॉर्डिंग अपन अपने काम के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। वर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है जो टुकड़े अपन ने बनाए हैं वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो। इस वजह से ये स्टेप वन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपन टुकड़े बना सकें। उसके बाद जो अपन लोगों ने टुकड़े टुकड़े बनाए हैं ना, फिर अपन देखते हैं इन टुकड़ों में से कौन से दो तीन टुकड़े हैं जिनको अपन साथ में रख सकते हैं। मतलब जब अपन ये वर्क्स को एक साथ लेके आते हैं, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। द वंस द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज सिमिलर रिलेटेड जॉब, जो जॉब एक जैसी है उनको एक ग्रुप के अंदर डाला जाता है। और ये एक ग्रुप में डालने को अपन क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब छोटे छोटे जो अपने टुकड़े बनाए, जब अपन उसको सिमिलर ग्रुप में एक साथ लेके आते हैं तो वो होता है तुम्हारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। आपने डिपार्टमेंट बना दिए, आप लोगों ने वर्क डिवाइड कर दिए, ग्रुप्स बना दिए, अब क्या काम है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली। जो जॉब पोजीशन पे जो इंसान है उसका क्या काम है और उसका किस तरह से उसको काम करना है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, किसका क्या काम है, वो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर आता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में ये बताया जाता है कि आपका क्या पोजीशन है, आपके पास कितनी अथॉरिटी है, आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में आता है। एक बार देखते हैं। It is important to state clearly that the work of different job position allocate work accordingly to the employees. Once department are formed, individual for each department, the work must be assigned to those who fit in it. एक बार आप लोगों ने work बता दिया, एक बार अपन ने head decide कर दिया, उसके बाद जो बाद में जो इंसान जिस काम के लायक हो, जो काम में वो fit हो रहा हो, उसको वहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना चाहिए, fit कर देना चाहिए। और उसको वहाँ पर क्या दे देनी चाहिए, duties दे देनी चाहिए। उसके बाद fourth point क्या है, establishing reporting relationship। मतलब यहाँ पे अपन लोग authority and responsibility assign करने के बाद एक structure establish करते हैं कि भाई ये top पे है, ये middle पे है और ये bottom पे है। अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अपन superior और subordinate relation बना रहे हैं। यहाँ पे अपन ये समझाते हैं top वाले को middle को report करना है, middle वाले को top को report करना है। यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि जो भी बंदा है उसको ये पता रहे कि उसको किसको report करना है या उसको किसको order देना है। देखो superior and subordinate relationship between different people and job position, just a minute, superior and subordinate relationship between different people and job position to be created so that everyone know, एक relationship create करना है ताकि सबको ये पता हो कि उसको किससे order लेने हैं और उसको किसको order देने हैं, ताकि कोई भी confusions ना रहे। एक बार वापस अपन लोग revise कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपन ने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा, जहाँ पे रिसोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट्स को एक साथ लाया जाता है, उनको एक बैलेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि अपने क्या है ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहाँ पे स्किल पीपल को बताया जाता है उनका क्या काम है और उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, वो उनको समझाया जाता है। बाद में अपने एक और पार्ट क्या समझा, ऑर्गेनाइजिंग मतलब वो इनिशिएट करता है, क्या इनिशिएट करता है, जो आपने प्लान किया है उसको, और लोगों को उनका जॉब और उनका रिलेशनशिप समझाता है और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करवाता है ताकि अपने गोल्स क्या हो जाए, अचीव हो जाए। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आप आइडेंटिफाई करिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका वर्क क्या है, उस वर्क को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। सेकंड में क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो आपस में एक दूसरे जैसे सिमिलर है, उसको एक ग्रुप के अंदर क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ये ग्रुप में कंबाइन करने को अपन क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये सेकंड हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद आपने ग्रुप अलॉट कर दिया, उसके बाद उस ग्रुप में से जो हेड है उसको चूज कर लो और
और हेड को समझा दो उसका क्या काम है, उसको किस तरह से क्या काम करना है। और ये भी ध्यान रखो जो पर्सन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो उस पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएट हो। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप लोग इंजीनियरिंग मशीन से ही करने का काम दे दो तो नहीं चलेगा ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप लोग हमेशा किस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम दोगे, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम दोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में ये देखा जाता है जो इंसान जिस काम के लिए सूटेबल है उसको उसी तरह का काम दिया जा रहा है। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है, किसको किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देना है, वो यहाँ पे क्लियरली समझाया जाता है ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। और कोई भी किसी को ऑर्डर देगा तो सोचो ना कितना केओस हो जाएगा। एक ही इंसान अगर 10 लोगों से ऑर्डर लेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अपन लोगों का केस स्टडीज चारों चैप्टर का मेरे को डिस्कस करना है, तो मैं किस तरह से करवाने का सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ तुम लोग अपन पहले चैप्टर नंबर 5 खत्म करते हैं, उसके बाद अपन लोग एक एक चैप्टर उठाते हैं। मैं चैप्टर 5 की तो केस स्टडीज यूट्यूब पे ही ले लूँगी साथ साथ में, और चैप्टर 1-4 की अपन केस स्टडीज जूम पे या यूट्यूब पे, जैसा भी आप लोग बोलो वैसा अपन ले लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ रेगुलर रहो बीएससी के। अपन लोग फटाफट ये जो फर्स्ट पार्ट है अपन ट्राई करेंगे ये अपना जून एंड तक ख़त्म हो जाए, ताकि अपन लोगों का फटाफट जब क्लास खुले तो मैं तुम लोगों को फटाफट इजीली रिवाइज करवा सकूँ। और ये जो नोट्स है ये बहुत मैंने प्रिसाइज नोट्स लिखे हैं, अच्छे नोट्स है। एक बार अपनी बुक से पढ़ने के बाद आपको जब रिवाइज़ करना हो तो ये नोट्स से पढ़ लिया करो, तो क्या होता है ना फटाफट रिवाइज़ हो जाएगा। और जिसको जिसको खुद के हाथ के नोट्स बनाने हैं वो ये नोट्स ओपन कर लो और टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, साथ में बोलते ना कंबाइन करके एक नए नोट्स बना दो, ताकि तुम लोगों को इजी रहे। नोट्स से पढ़ना हमेशा याद रखना फाइनल एग्जाम में तुमको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करती हूँ ये वाला, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे। ओके okay?